हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 12 का मैथ का सेकंड भाग का है। ये चैप्टर सेवन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पार्ट आपका 17वां है। ये 7.5 का प्रश्नावली स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। 7 देखिए, 7 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन डी एक्स। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो बताए थे आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न को तोड़ने का जो नियम बताया गया था, उसमें आपका दूसरा होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में, यानी दो वीडियो के इससे पिछला जो दूसरा वीडियो होगा, उसी में बताए थे आंशिक भिन्न को तोड़ने का नियम। तो दूसरा ही नियम उसमें आएगा, तो उसको तोड़ा जाए पहले पीएफ में, तब समाकलन किया जाएगा। तो एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन बराबर ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यह स्क्वायर ए एक्स धन भी हो जाएगा आप, प्लस सी अपान एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे, एक। अब क्या करें, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स प्लस वन इक्वल इसका में ए एक्स प्लस बी या जाएगा एक्स प्लस वन धन इसका इसमें सी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन। ये आपका एक बार में डिवाइड हो जाएगा, तो आपका एक्स बराबर हो रहा है ए, इसको मैं कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर धन ए एक्स धन बी एक्स धन बी धन सी एक्स स्क्वायर धन वन। ठीक है, अब क्या करें, कंपेयर करेंगे। देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक सी है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर में यह जीरो हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब एक्स का गुणांक ए धन बी बराबर यहाँ गुणांक एक्स का एक है, इसको 3 मानेंगे। अब आइए कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का हो जाएगा बी धन सी, बी धन सी बराबर इधर कांस्टेंट है ना, जीरो जाएगा, समीकरण 4 हो गया। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको हल कीजिए, हल करके ए और बी का मान निकालेंगे। तो क्या कर रहे हैं, 2 में से 4 को घटा रहे हैं, तो समीकरण देखिएगा यहाँ पर हल किया जा रहा है। ये सॉल्यूशन आप दोनों में निकाल सकते हैं, ए धन सी बराबर आपका 0 और बी धन सी बराबर आपका 0 घटाएं, तो घटाएंगे तो आपका घट जाएगा ए माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ए माइनस बी बराबर 0 होगा। ठीक है, इसको देखिए, सॉरी इसको ले लीजिए आप, ए 2 3 और 4, 3 में 4 घटाइए आसानी से और आ जाएगा। देखिएगा ए धन आपका बी बराबर 1 और आपका बी धन सी कर रहा हूँ बराबर 0, यानी 3 में से 4 को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो घट जाएगा, यानी ए माइनस सी बराबर 1, समीकरण नंबर 5 मान ले रहा हूँ। 2
और पांच को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो दो रन पांच जोड़ा जा रहा, तो ए रन सी बराबर जीरो और ए माइनस सी बराबर वन जोड़ेंगे तो टू ए बराबर कितना आ जाएगा वन, ए बराबर वन अपॉइंट टू। एक मान मालूम हो गया, जब एक मान मालूम हो गया तो इसलिए समीकरण दो से सी का मान हो जाएगा माइनस एक बटे दो, ठीक है, ये सी का मान मालूम हो गया, ठीक है। और जब सी का मान मालूम हो गया तो बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस अस्सी का मान एक बटे दो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो किया है आप कर सकते हैं, और करने के बाद अब लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से आपका क्या है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर देखिएगा ए एक्स, ए का मान वन बाई टू है, ठीक, एक्स धन बी, बी का मान वन बाई टू है, अब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स धन सी का मान माइनस एक बटे दो है, इंटीग्रेशन आवा वन अपान एक्स प्लस वन डी एक्स। इसमें आपका वन बाई टू कॉमन ले रहा है, ठीक है, वन बाई टू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वन अब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अब माइनस ये आपका हो जाएगा, या अलग अलग कर दीजिए सबसे बेस्ट है। अब इसको कहिए इतना बटे इतना और इतना बटे इतना इंटीग्रेशन आप वन बाई टू, ठीक है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन आप वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन आप वन अपान एक्स प्लस वन डी एक्स का किए इतना बटे इतना इतना बटे इतना अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। और इसका देखिए समाकलन करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी मान आओ तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू, ठीक, इसका हो जाएगा वन बाई टी, तो यह आपका हो जाएगा देखिएगा वन अपान फोर, ठीक। और इसका समाकलन यहाँ पर लिखा जाएगा तो एक्स डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई टू इंटीग्रेशन वन अपान टी, तो ये देखिए वन बाई टू और टू वन बाई फोर हो जाएगा, और ये अल्लाह ये आपका टी होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन आधन ये वन बाई टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू लाग एक्स प्लस वन आधन सी, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्वेश्चन दिया गया उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ, इस पर आप देखिए सेवन जो है इस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो देखिए क्वेश्चन नंबर टेन हुआ, अन्य जो क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।